नमस्कार, आप देख रहे खबरदार टॉप 10 और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर ईडी का एक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 98 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। कुर्क की गई संपत्ति में जुहू स्थित एक आवासीय फ्लैट शामिल है जो वर्तमान में पत्नी शिल्पा शेट्टी के नाम पर है। बंगाल में स्थिति बेहद खराब, तुरंत कुछ किया जाए। रामनवमी पर हिंसा को लेकर बीजेपी की राज्यपाल को चिट्ठी। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट पर शिंदे गुट के साथ बन गई बात, बीजेपी ने नारायण राणे को दिया टिकट। दुबई में दिखा अद्भुत नजारा, देखते ही देखते हरा हो गया आसमान। 75 वर्षों में सबसे भारी बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया, जिसके बाद देश जैसे थम सा गया। भारी बारिश के बाद कई उड़ानें रद्द कर दी गई और स्कूल बंद कर दिए गए। तेजस्वी यादव का नीतीश प्रेम फिर उमड़ा, सियासत हुई तेज। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले सियासत का अलग अलग रंग देखने को मिल रहा है। कौन नेता क्या बयान दे रहा है ये कहना अभी मुश्किल है। कन्नौज से अखिलेश के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज, फतेहपुर से इस दिग्गज को मैदान में उतार सकती है सपा। अमरोहा में राहुल अखिलेश 20 अप्रैल को करेंगे संयुक्त रैली, बसपा छोड़कर आए दानिश अली है कांग्रेस के प्रत्याशी। राहुल गांधी को अब 7 समंदर पार से चुनाव लड़ना होगा, मोहन यादव बोले अमेठी के बाद वायनाड से भी हारेंगे कांग्रेस नेता। बिहार में रोजगार को लेकर क्या थी तेजस्वी की प्लानिंग, खुद बताया सब कुछ। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई गरीबी भ्रष्टाचार और महंगाई से है। इसके साथ उन्होंने मंच से भाजपा को भी जमकर घेरा। आज और कल उड़ीसा में भयंकर गर्मी पड़ेगी, ऐसा मौसम विभाग का आकलन है। प्रशासन ने इसके लिए ऑरेंज चेतावनी जारी कर दी है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।